और संकीर्तन का भी बड़ा फायदा है। भागवत में वर्णन आता है कि संकीर्तन होता है, प्रह्लाद तबला बजाते हैं। प्रह्लाद का नाम आपने सुना है ना, हिरण्यकशिपु का बेटा, वो तबला बजाते हैं, तबला। और भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाले उद्धव झांझ बजाते हैं। ऐसा भागवत में आया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। नारद जी वीणा बजाते, उनका तो फोटो आपने देखा होगा, वीणा बजाते हैं। और कृष्ण के खास सखा अर्जुन, वो क्या करते हैं, राग आलापते हैं। उनको, अर्जुन को राग आलापना बहुत अच्छा आता, तो अर्जुन तो राग आलापते हैं। अच्छा, इंद्र देवताओं के राजा, स्वर्ग के अधिपति, वो क्यों पीछे रह जाए, वो भी आते हैं और मृदंग बजाते हैं। इंद्रदेव मृदंग बजाते हैं, उद्धव झांझ बजाते हैं, प्रह्लाद तबला बहुत अच्छा बजाना जानते हैं, नारद वीणा बजाते हैं। फिर छोटे छोटे चार ऋषि कुमार हैं जिनका नाम है सनत कुमार, वो सनत कुमार फिर बीच बीच में जय हो जय हो जय हो, वो बीच बीच में उसको जरा कीर्तन में मजा देते हैं, जय हो जय हो, और बच्चों का आवाज और कीर्तन को बढ़िया बनाता है। तो सुखदेव जी क्यों पीछे रह जाए, जैसे हम बापू जी के बेटे हैं, तो सुखदेव जी वेद व्यास के बेटे हैं। तो व्यास नंदन सुखदेव वो फिर भाव का निर्देश कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में इशारा करके जो सब बजाते हैं उनको उत्साहित करते हैं। और तीन जने नृत्य कर रहे हैं नट के समान, वो तीन कौन, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीन नृत्य कर रहे हैं, ऐसा श्लोक भागवत में आता है। तो साहित्य संगीत कला विहीन, जिसको पठन पाठन की रुचि नहीं और अपनी सेवा के प्रति जो गैर जिम्मेदार है, सेवा जो सौंपा है, मूड आया तो किया, नहीं मूड आया तो ऐसे आदमी फिर बड़ा काम नहीं कर सकता। सौंपी हुई सेवा तत्परता से करें, भाई हमें क्या सेवा सौंपा है, हमारा क्या कर्तव्य है, मूड पड़ा तो किया, नहीं मूड पड़ा तो ऐसी तैसी कर दी। ऐसे मूडी सेवक ज्यादा हासिल नहीं कर सकते, एक बार बोला भाई ये सेवा है, ये जिम्मेदारी है, लग गया, मूड पड़ा तो आए, नहीं मूड पड़ा तो बैठ गए जाके, तुम ऐसे लापरवाह जो सेवा के महत्व को नहीं जानते ना, सेवा का कीमत नहीं समझते, वो फिर ऐसे ही रह जाते। तो व्यास जी जो हैं वो रचयिता नहीं है, वो स्मरता है, जो जो हुआ उसका स्मरण करके उसकी कथा सुनाते हैं। और उन्होंने भागवत की कथा और भी 18 पुराणों की रचना की, जगत के ऊपर बड़ा उपकार है। तो ये जो संकीर्तन है, उस संकीर्तन में जब आप दोनों हाथों से ताली बजाते हो तो हाथों की जो पॉइंट है वो दबती है, आँख ठीक रहती है, कान, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, लिवर, किडनी, अन्न नली, श्वास नली, घुटनों का दर्द आदि लगभग 35-36 प्रकार के बीमारियों की पॉइंटें आपके इन हाथों में, जब ताली बजाते हैं और नृत्य करते हैं
वह पैरों की पॉइंटें हाथों की पॉइंटें दबती हैं। अनायास स्वास्थ्य तो ठीक होता है, लेकिन हृदय में भक्ति का आनंद आता है वो अलग। और अलग अलग राग से अलग अलग बीमारियां ठीक होती है। इसका भी रिसर्च हुआ है कि कौन सा राग सुनने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। शिवरंजनी, काफी, भैरव आदि कई राग हैं। ऐसे ही तबले के जो ताल हैं वो सुनने से, इसके प्रयोग विदेशों में हो रहे हैं अभी। अपने देश में भी कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती या सर भारी रहता है, तनाव, डिप्रेशन में, तो वो हमारे संकीर्तन की कैसेट MP3 या CD मिलेगी, अथवा तो अपने मोबाइल में 2GB का, 4GB का, 1GB का मेमोरी कार्ड डाल दो, उसमें आते जाते ईयरफोन लगा के घूमते घामते भी सुन सकते हो। तो इस टेक्निक का उपयोग करो। ये वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक साधनों का भी सदुपयोग करना चाहिए। जिनके घर में TV है उनको सुदर्शन की सदस्यता ले लेनी चाहिए। हर महीने आपके घर कैसेट आए, TV में देखो, कोई कार्यक्रम TV में आते हैं उसके लिए तुम्हें उस टाइम के अनुसार बैठना पड़ता जिस समय पे वो प्रोग्राम आता है। लेकिन ये तो तुम्हारे समय के अनुसार उसको चाहे जितनी बार देख सकते हैं। वो एक आध्यात्मिक एसेट तुम्हारे घर में बढ़ती जाती है। तो कई लोगों का ऐसा अनुभव है, बोले हम रात को रोटी खाते हैं, फिर सोने से पहले आपकी कैसेट है पागलों की महफिल, वो देखते हैं, उसके बाद ही सोते। नहीं तो हमको जिस दिन नहीं देखे उस दिन अच्छा नहीं लगता, और वो रात और वो जो दिन है सुबह वो भी बहुत अच्छी जाती है। ऐसे मेरे पास पत्र भी आए हुए हैं कि हर रोज़ रात को हम आपका कैसेट देख के ही सोते हैं, ऐसा भी आप नियम ले सकते। तो यह संगीत ब्रह्म है। संगीत जो है वो मन को, बुद्धि को बदलता है। तो अभी थोड़ी देर अपन भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन का बहुत लाभ है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन की महिमा। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदिक्षणं यद्नन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सधो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन लोगों के सारे पाप तापों को तत्काल ही नष्ट करने की ताकत रखता है। चैतन्य महाप्रभु गौरांग कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुता, अमानिना मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। पेड़ से बढ़कर सहिष्णु भाव रखो, तृण से बढ़कर दीन भाव रखो, और सबको मान दो और सदा हरि का कीर्तन करते रहो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आप सब लोग जो भगवान ने कहा वो वाणी आप भी उच्चारण कीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच, मामनुस्मर युद्धच, मय्यर्पित मनोबुद्धि, मय्यर्पित मनोबुद्धि,
मामे वैश्यस्य संशयम्। हे अर्जुन, तू सब समय में, सभी काल में, सुबह, दोपहर, शाम, उठते बैठते मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। युद्ध करते हुए तू मेरे में मन को लगा, बुद्धि को अर्पित कर, इससे तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें शंका मत कर। जब युद्ध के समय भी भगवान का स्मरण हो सकता है तो रोटी बनाते बनाते क्यों नहीं हो सकता? खाना बनाते, खाना खाते, जाते आते, नौकरी धंधा करते भी भगवान का स्मरण हो सकता है। तो ज्यों ज्यों आप भगवान का स्मरण करोगे, त्यों त्यों आपका सहज में ही भगवान से योग हो जाएगा। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत तेही करत भलाई। और ये कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना, जो नहीं कर रही राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी समाना। तो इसलिए भगवान का नाम पद्म पुराण में कहा है, तन्मुखम परमम तीर्थम यत्रा वर्ते वितन्वती, नमो नारायणेति भाति प्राची सरस्वती। ओम नमो नारायण रूप से आवर्तन करते हुए, इनको दोहराते हुए जो वाणी है उसे सरस्वती समझो। वह मुख ही परम तीर्थ है, जिस मुख में भगवान का नाम है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है, जो पुरुष एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण करता है वो 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। ऐसी नारायण नाम की महिमा है। Thank you.